सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर वन मंथ। सो गाइस, आज है 26 जनवरी, हम जा रहे हैं एक छोटी सी राइड पे और भाई सामने खड़ी अपनी Z900। भाई टायर देखो उसका कितना फाड़ू लग रहा है। सो ये सारे काम Z9 के कल ही हुए थे। थ्रॉटल बॉडी साफ हो चुकी है और टायर भी पड़ चुका है और टायर का साइज मैं आपको आगे बताऊँगा। सो भाई चलते हैं आगे। सो गाइस, कैसे आप लोग। और मैं राइड कर रहा हूँ भाई पूरे एक महीने के बाद, क्योंकि दिसंबर में यहाँ थोड़ा टाइम मिला नहीं बाइक चलाने का और मीटअप के बाद भाई कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद हम चले गए थे घूमने आधी कैलाश और दिसंबर तो यार ऐसे निकल गया। और भाई 1 तारीख को मेरे पैर में लग गई थी चोट, मेरा एंकल मुड़ गया था पूरा, तो उसमें स्वेलिंग थी और स्वेलिंग तो भाई अब भी है, पर हाँ नॉर्मल वॉक कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और राइडिंग बूट पहन के कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चलाने बाइक। सो गाइस, अभी आ रहे हैं फ्यूल भरवाने, उसके बाद सीधे चलते हैं हाईवे पर। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हाईवे पर और अभी हम जा रहे हैं भाई बुलेश्वर की तरफ। और आगे खड़े आयुष भैया जो अलीगढ़ वाला खड़ा है, तो उसके आगे खड़े हैं। और ये हमारे साथ में अपाचे आधा 310 और भाई पीछे आ रही है अपनी Z900। और भाई हमने उसमें लगवाया 200 नंबर का टायर भाई, 260/17। भाई मेरे को लगता नहीं इंडिया में किसी ने अब तक चलवाया होगा। भाई क्या सेक्सी लग रहा है ना वो टायर, बस बता नहीं सकता आपको, खतरनाक लग रहा है भाई। सो भाई 1 महीने बाद हम आज निकले हैं राइड पर। 1 महीना तो नहीं यहाँ पर, 25 दिन मान लो, 1 तारीख को लगी थी शाम को। तो भाई बीच में बाइक छुई नहीं बिल्कुल। सो कल कावासाकी से एक भैया आए थे बाइक की सर्विस करने और मैंने नया टायर मंगा रखा था तो वो भी लगवा दिया था। तो सारे काम हमारे कल फ्रीश हो गए थे, उसके बाद आज हम निकले राइड पर। भाई पूरा गेट अप होके निकला हूँ। और भाई आज हम चलाएंगे Ninja 1000। गाइस मेरे को लग रहा है मैंने बाइक राइडिंग काफ़ी कम कर दी है और रील्स भी कम आ रही हैं भाई साहब, यूट्यूब वीडियोज़ भी बहुत कम आ रही है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, डिप्रेशन में चला जाऊँ मैं सच में। तो भाई अब राइड को एंजॉय करते हैं। तो भाई अभी अपाचे वर्सेस R3 हो रही है, हम डबल हैं, पीछे लगी बैठा हुआ है, तो अभी देखते हैं क्या स्टार रिजल्ट होने वाला है भाई। देखो भाई क्या ही खतरनाक वाला हुआ रहा भाई, टायर देखो एक बार, सुपर सेक्सी। हमारी सारी बाइक सब आ चुकी हैं और पीछे Ninja 1000 ने भी ज्वाइन कर लिया है। और भाई आपको एक शिफ्टर का पटाके सुनाना मैं भूल गया, पर अपनी 900 को देखो जरा एक बार, क्या गजब लुक आ रहा भाई साहब, खतरनाक। इसमें व्हीली कैसे मारूंगा यार, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे तो सेक्सी।
inches later. So guys, अपनी राइड हो चुकी है पूरी, और वैसे पूरी तो नहीं हुई, अभी हम आए थे विजय ढाबा तक और अभी आने यहाँ से वापस. एंड भाई इसके बाद बीच में करेंगे फोटोग्राफी थोड़ी बहुत. एंड भाई थोड़ी वील वीली चेक करते हैं स्टार पे एक बार. सो भाई यहाँ से निकलते हैं अब आगे, और भाई टायर चेक करते हैं कैसी वीली, क्या परफॉर्मेंस है. भाई का हाफ टैंक तो हो चुका है. चलो गाइस जय श्री राम. पिकअप में तो फर्क आया भाई, पिकअप में काफी फर्क है, टायर वही पड़वाना पड़ेगा. पहले भाई व्हीली उठा के मारती थी, वो मजा नहीं आ रहा. नहीं रुक जा, पहले पटाखे करते हैं. सो गाइस अब चला रहे हैं निंजा 1000 और इसका एक बार फ्लाई बाई शूट करते हैं. चलो सही जगह नहीं है. ठीक है ठीक है. अब हम चला रहे हैं निंजा 1000. भाई ये कंफर्टेबल मशीन बहुत ज़्यादा है, मज़ा आता है भगाने में. एंकर पावर बहुत ज़्यादा है भाई. Are we?
अपनी Z900 भाई, टायर का जो मजा देख लो, टायर भाई ऐसा लग रहा है पता नहीं GS2 जा रही है, पता नहीं क्या जा रहा है भाई साहब, एकदम खतरनाक। चेक करो भाई टायर का साइज, मजा भाई। बाकी भाई Z900 का टायर एक्शन भाई खतरनाक, ऐसा लग रहा है भाई पता नहीं कौन सी बाइक जा रही है पीछे से, अलग ही सीन है। के अंदर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं थोड़ी पकौड़ी खाने, यहाँ पे पकौड़ी बड़ी अच्छी मिलती हैं तो वो खाने जा रहे हैं एंड इसके बाद निकलेंगे अलीगढ़ के लिए। तो सुबह भाई अपनी सक्सेसफुल राइड कंप्लीट होने वाली है और भाई बहुत दिन बाहर निकला हूँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है भाई, सही बता रहा हूँ, अलग ही सीन है। सो गाइस पकौड़ी खा के फाइनली निकल चुके हैं अलीगढ़ के लिए वापस और बस कुल्ली भी चला रहे हैं 300।